यहाँ का जो ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेजेज है पहले की, उसको समयबद्ध स्वरूप में उसको ही प्राथमिकता देना चाहिए, ताकि उसका वृद्धि हो सके, उसका समृद्धि हो सके, उसका पहचान बन सके जैसे अन्य राज्यों में। तो ऐसा ना हो करके जो मिलान किया गया है वह आज के डेट में उचित नहीं प्रतीत होता है, ये मेरा कहना है। इसलिए कि झारखंड बनने के बाद में इस क्षेत्र में काम ही नहीं होगा, कोई भी सरकार ने काम की आज तक 21 साल में। लेकिन भोजपुरी तो यहाँ की मूल भाषा नहीं है, यहाँ की भोजपुरी, मैथिली, अंगिका वहाँ की मूल भाषा है, बिहार की मूल भाषा है। तो अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी शामिल करने की। समझो तीन ग्रुप की भाषाएँ, औष्टिक परिवार के लोग हैं, आपको मुंडारी द्रविड़ परिवार के लोग हैं, और आर्य समूह के भाषाएँ हैं जो यहाँ से बरसों से पलवी करता है। और उसको अगर बढ़ावा देना है यहाँ के राज्य के विकास के लिए, राज्य की पहचान के लिए, राज्य की विशिष्टता के लिए और तमाम चीज़, लेकिन इसको सुरक्षा देना, इसको बढ़ावा देना और वैधता इसको क्रिएट करना बहुत जरूरी है। नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज और आप देख रहे हैं GN भारत। झारखंड के प्रख्यात मानव शास्त्री डॉक्टर कर्मा उराव जी से आज हम आपको रूबरू करवाते हैं और बताते हैं कि इन्होंने भाषाई विवाद पर क्या कहा। सर, जीन भारत में आपका स्वागत है। झारखंड में भाषाई आंदोलन की आग धधक रही है, युवक सड़क पर है, तो सरकार क्यों चुप है? देखिए, सरकार तो ही प्रॉब्लम को खड़ा किया है, जो कि सरकार अगर इसको नहीं समझ सकता इस तरह की बात नहीं है। झारखंड बदला है, हो रहा है, इसके पीछे कई कारण हैं। वैसे विवाद अनावश्यक और समय से परे है, कारण कि झारखंड बना 21 साल हो चुके, 21 साल में यहाँ का एस्पिरेशन फुलफिल नहीं हुआ युवकों का, चाहे यहाँ के लोगों, तो कहीं ना कहीं आक्रोश लोग का फूटता है, तो इसमें देखने को मिल रहा। कारण ऐसा है कि यहाँ मूल भाषाएं दो ग्रुप की भाषाएं हैं, समझो तीन ग्रुप की भाषाएं, औष्टिक परिवार के लोग हैं, आपको मुंडारी द्रविड़ परिवार के लोग हैं, और आर्य समूह के भाषाएं हैं जो यहाँ से बरसों से पलवी करता है। और उसको अगर बढ़ावा देना है यहाँ के राज्य के विकास के लिए, राज्य की पहचान के लिए, राज्य की विशिष्टता के लिए और तमाम चीज़, लेकिन इसको सुरक्षा देना, इसको बढ़ावा देना और वैधता इसको क्रिएट करना बहुत जरूरी है, उस पर ध्यान देना जरूरत है। तो सरकार ने जो की है उसमें अभी प्राथमिकता देनी चाहिए। यहाँ का जो ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेजेज है पहले की, उसको समयबद्ध स्वरूप में उसको ही प्राथमिकता देना चाहिए, ताकि उसका वृद्धि हो सके, उसका समृद्धि हो सके, उसका पहचान बन सके जैसे अन्य राज्यों में। तो ऐसा ना हो करके जो मिलान किया गया है वह आज के डेट में उचित नहीं प्रतीत होता है, ये मेरा कहना है। इसलिए कि झारखंड बनने के बाद में इस क्षेत्र में काम ही नहीं होगा, कोई भी सरकार ने काम की आज तक 21 साल में। और पूरा झारखंड ऐसा लगता है, लोग फील करते हैं, यहाँ के जनमानस फील करते हैं कि ये पूरा चरागाह बन गया है, हर मामले में चरागाह बन गया, चाहे उद्योग के क्षेत्र में कहीं, चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, चाहे का संस्कृति के क्षेत्र में, अधिनायक वादी तत्व ऐसा हावी है कि यहाँ के लोग आगे बढ़ नहीं पा रहे और यहाँ की सहभागिता नहीं हो पा रही। तो सहभागिता एक तमाम चीज़ टोटलिटी में वो स्वरूप, कोई भी घटना होती है, दुर्घटना होती है, इस तरह की बातें आती हैं तो लोग ये बातें आ जाती हैं। अब रही बात कि आज स्थानीय नीति की बात इन्होंने चर्चा की, स्थानीय नीति क्या है? समग्रता में एक रेगुलेटरी फंक्शन नीति जो सारा चीज़ को रेगुलेट करेगा, किसको कितना हक मिलेगा, कितना किसको देना चाहिए, कौन स्थानीय है, इसको सरकार डिफाइन करने में कमजोरी होती है। और हाईकोर्ट ने भी कहा है, आपको बता रहे हैं, अगर किसी विशेष क्षेत्र का आपको किसी तरह से स्थानीय नीति बनाना हो तो उसका आधार भी आपको संस्कृति होना चाहिए, भाषा होनी चाहिए, अन्य परिवेश होना चाहिए, उसको कंसिडर करके सरकार बना सकती है।
तो बना रही है, लेकिन भोजपुरी तो यहाँ की मूल भाषा नहीं है। यहाँ की भोजपुरी, मैथिली, अंगिका वहाँ की मूल भाषा है, बिहार की मूल भाषा है। तो अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी शामिल करने की, तो बाद में देखा जाता है समय के अनुसार बाद में बदलाव हो सकती है। लेकिन आज के डेट में लोग इतना माने एस्पिरेशन उनका मजबूत है, महत्वाकांक्षा बहुत यहाँ के लोगों की इच्छा है, इसलिए झारखंड बना, पहले उसकी अवधारणा का पूर्ति हो। लेकिन हम दूसरे तरफ कहेंगे जो भोजपुरी के समर्थक हैं, चाहे मैथिली के समर्थक हैं, अंगिका के समर्थक हैं, अन्य भाषाओं के समर्थक, उनको थोड़ा संयम रहने की जरूरत है, संयमित रहने की जरूरत है, ताकि यहाँ के जो मूल ग्रास रूट मैंने आप भाषा है उसको पनपने देना चाहिए, आगे बढ़ने देना चाहिए, ताकि यहाँ के लोगों का एक मैंने सशक्तिकरण हो सके, उनकी वायबिलिटी बढ़ सके, यहाँ रोजगार में काबिज हो सके। तो लोग को भी संयम करना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि तो सरकार की है ना, तो सरकार से मांग करना चाहिए, तो लोग कहते हैं धमकी वगैरह दे रहा है तो ठीक ही नहीं, सरकार ने किया, सरकार से लड़ो, हम भी सरकार से लड़ रहे हैं, हम तो किसी से लड़ने नहीं जा रहे हैं, मैंने थोरोफेयर में स्ट्रीट में लड़ने की बात नहीं है। सरकार के नीतिगत फैसले का आप विरोध करो, मैं भी करूँगा और यहाँ के लोग भी करेंगे, लेट सरकार उसको फैसला करे, ये बात होनी चाहिए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।